की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मग मैक्रोनी। मैक्रोनीज बनाएंगे बट अब मग में बनाएंगे, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ली है मैक्रोनी, अब चाहो तो इसकी जगह पास्ता भी यूज कर सकते हो। इसको हम 1/3 तक फिल करेंगे, हाफ भी फिल नहीं करेंगे, 1/3 ही करेंगे। देखो मैंने 1/3 फिल कर लिया है, दोनों में ही 1/3 फिल कर देने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। ये सारे कवर हो जाए उतना ही हमें पानी डालना है। फिर डालेंगे नमक, और फिर डालेंगे 1/2 चम्मच तेल। तेल की जगह आप यहाँ बटर भी यूज कर सकते हैं। फिर इसे हम देंगे अच्छा मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं ये ओवन में बेक करूंगी 5 मिनट के लिए। आप चाहो तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो, उसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैक्रोनी मैंने ओवन से बाहर निकाल ली है, इसमें मुझे 15 मिनट लग गए इसको बॉईल करने में। आप चाहो तो पहले गैस पे बॉईल करके फिर इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच या 1 चम्मच अनियन, फिर डालेंगे टमाटर, टमाटर के बाद डालेंगे कैप्सिकम, ऊपर से थोड़ा सा सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए हम डाल देंगे नमक, एकदम थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम पास्ता सॉस, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ऊपर से हम डालेंगे बहुत सारी चीज। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, मुझे यहाँ बहुत चीज ही बनानी है इसलिए मैं बहुत चीज डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मली प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ, आप मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं। एट लास्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सीजनिंग, आप ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मैं इसमें पिज्जा सीजनिंग डाल रही हूँ। और फिर से हम इसको ओवन में डाल देंगे 5 मिनट के लिए, या जब तक इसकी चीज मेल्ट नहीं हो जाती। ये 5 मिनट के बाद मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया है, बहुत ही डिलिशियस लग रहा है दिखने में और बहुत ही डिलिशियस बनता है खाने में। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। प्लीज इसे सबको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हो मेरे चैनल के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। टिल देन बाय।